साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि एक नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में उनका आनंद था। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की। साथियों, आज प्रोसेस्ड फूड में भी हमारी हिस्सेदारी बहुत अधिक बढ़ रही है। इससे किसानों को उपज के ज्यादा दाम मिलने के रास्ते खुल रहे हैं। उत्तराखंड का मोटा अनाज पहली बार डेनमार्क में गया। इसी प्रकार कर्नाटक का ऑर्गेनिक जैकफ्रूट पाउडर भी नए बाजारों में पहुंच रहा है। अब त्रिपुरा भी इसके लिए तैयारी करने लगा है। ये बीज हमने पिछले 8 वर्षों में बोए हैं, जिसकी फसल अब पकनी शुरू हो गई है। साथियों, आप सोचिए, मैं कुछ आंकड़े बताता हूं। ये आंकड़े सुनकर के आपको लगेगा प्रगति और परिवर्तन कैसे होते हैं। 8 साल पहले जहां 2 बड़े फूड पार्क ही देश में थे, 2 बड़े फूड पार्क, आज ये संख्या 23 हो चुकी है। अब हमारा प्रयास ये है कि किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ और बहनों के स्वयं सहायता समूहों को भी इस सेक्टर से अधिक जोड़े। कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट हो, ऐसे हर काम से छोटा किसान सीधे जुड़े, इसके लिए आज सरकार लगातार प्रयास कर रही है।